अरे अरे मुनिया जी आइए 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 मुनिया जी आइए 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 अरे हट जा मुनिया जी आ रही है हटो हटो। हाँ मुनिया जी कैसी हैं कैसी हैं? बढ़िया है बढ़िया है। क्या हो रहा है, कैसा जा रहा है? अच्छा मैं पीछे से आई, मुझे लगा, मुझे पता था आप लोग यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे भी आ गए। हम तो हर जगह है मुनिया जी, हम लोग हर जगह है मुनिया जी। हाँ अरे जाने दो, वो रो रहा होगा। कौन रो रहा है मुनिया जी? अरे जनाब रो रहे हैं क्या? जनाब की चीजें, जनाब की चीजें रो रही हैं। मुनिया जी कैसी हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। जाने दो, वो रो रहा होगा, जाने दो। तो देखा मेरे कैसे तेवर बदल गए मीडिया के साथ। तो मैं बोलती हूँ ना कि हाँ दिखाई मैंने उंगली, बहुत प्राउड से उंगली दिखाई। जब मेरा मन करता है मैं उसी हिसाब से मीडिया को हैंडल करती हूँ। अभी तो गाइस बहुत काम निकलना है। हे गाइस, यस 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 यस, फिर से हम आ गए हैं फिर से एक हगी हुई परफॉर्मेंस के बाद आप लोग से वोट्स की भीख मांगने। तो क्या कहना चाहोगी तुम? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि इतने वोट्स की दुहाई पूरे सीजन में, पूरे रियलिटी शोज में किसी ने नहीं करी होगी जितनी हमें करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की बहुत 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 ज्यादा कमी है, डांसिंग की बहुत 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 ज्यादा कमी है। बाकी लोगों को आप परफॉर्मेंस देख करके वोट करिएगा, लेकिन इनको बिहाइंड द सीन्स देख के वोट करिएगा, क्योंकि आप लोग को समझ तो आ रहा है ना कि एक बेटा डांस कर रहा है, एक बाप डांस कर रहा है, एक पति डांस कर रहा है, एक भाई डांस कर रहा है। यहाँ पे एक इंसान डांस नहीं कर रहा, मकसद के लिए डांस कर रहा है। मकसद इनका मकसद है कि मैं पहले ही सीजन
सीजन में आउट हो गई थी और ये ट्रॉफी लेके निकले एंड दैट टू विदाउट गिविंग गुड परफॉर्मेंस. ये मकसद दुनिया का सबसे महंगा सॉरी दुनिया का सबसे अनमोल मकसद है. और अगर इन्होंने मेरी ख्वाहिश ये मेरी खुशी के लिए नाच रहे हैं, मेरी खुशी के लिए, हालांकि मैं इनको दिन रात अपने सामने नचा सकती हूँ अगर मुझे इसी में खुशी मिलती है तो, लेकिन फिर भी ये स्टेज पे जाके नाचे. कुछ तो लेके आए वो, आप कौन सा अवार्ड लेके आए थे, खरीदा हुआ स्टारलेट. तो इस बार उसी तरह तो मैं डांस में तो हम लोग कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए वैसे भी, तो सोचा इस बार वोट्स की भीख मांगने में ही रिकॉर्ड तोड़ दें. इतने वोट्स ले लें कि आप रिकॉर्ड तोड़ दें. आप लोग सिंपैथी लेने करेंगे ना हमारे लिए? आप लोग करेंगे, उनके पास काम ही क्या है, वो सब बैठे हुए हैं फ्री, तो करेंगे बिल्कुल हमारे लिए जरूरी है ये करना. यस तो यस इस बार कोशिश रहेगी कि आप लोग को कुछ अलग दिखाएं, कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ इस बार आग या पानी में डांस करके दिखाएं आप लोग. नहीं अभी आपने ये बर्फ पे क्यों, आइस पे क्यों डांस किया? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपने आइस पे क्यों डांस कर लिया, ये क्यों किया? कुछ अलग करना चाहते थे हम लोग कुछ. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप जमीन पे तो ढंग से नाच लें, उसके बाद में हवा पानी आग बारूद देखा जाएगा, सब में डांस करेंगे. सो इस बार इन्होंने थोड़ा सा कुछ नया करने के चक्कर में कुछ अनोखा ही हो गया और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कम मार्क्स मिले. हालांकि मुझे, मैं भी शॉक्ड हूँ कि जजेस ने इनको मतलब 21 मार्क्स दे दिए. हालांकि अगर कोई जेन्युइनली दे तो 15 से ज्यादा तो ये डिजर्व नहीं करते. तो कैसी बातें कर रही हो, तो मतलब पर पर्सन 15 45 मिलने चाहिए थे. वो तो मेरे पर्सनालिटी की वजह से मुझे so, वो स्टेरॉइड्स ले लेके इन्होंने अपनी बॉडी इतनी स्ट्रिप कर ली है. ये जो है लॉक हो गए हैं, जांघें लॉक हो चुकी हैं और ये जो हिस्सा है मतलब पैर के घुटनों के नीचे वाला वो भी सूज चुका है. तो पहले इनको अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना चाहिए, जो कि इन्होंने गलत वे में कर लिया. फर्स्ट यू शुड चेंज योर ट्रेनर. आई एम द कैबिन क्रू, आई हैव बेटर एक्सपीरियंस टू टेल यू व्हाट यू शुड डू. सो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि पहले अपनी बॉडी को ये ठीक करें, अपने जितने भी लॉक्ड चीजें हैं पूरी बॉडी की उसको ठीक करें और के बाद में डांसिंग करें. सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. आप लोग कुछ मत सुनिए, आप लोग सिर्फ वोट करिए. यू शुड नॉट यूज योर माइंड, यू शुड ओनली यूज योर फिंगर्स टू वोट जनाब. प्लीज 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 हमारे लिए वोट करो प्लीज. बोलो ना पापा वेट करिए, प्लीज प्लीज प्लीज. बोल रहा है वो बोल रहा है कि पापा को वोट. इस बार कोशिश करिए कि आप पूरी तरह से वोट करें और आप ही बचा सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस देखें कि मैं मतलब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. डिजर्विंग थे आप, बिल्कुल डिजर्विंग थे, बिल्कुल थे. ये डिजर्विंग थे और हमेशा रहेंगे, भले ही ये कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए. तो शुक्रिया आप सबका यहाँ तक साथ देने का और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह साथ दे पाएंगे. आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आप हैं तो हम हैं. हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस चेंज कर लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर लेते हैं. जब हमें इंडिया वालों को खुश करना होता है तो हम इंडिया के आर्मी के बेस पे कॉन्सेप्ट पे मूवी बना देते हैं, और जब हमें पाकिस्तान वालों को खुश करना होता है तो हम कह देते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ा है. जब हमें हिंदुओं को खुश करना पड़ता है तो हम कह देते हैं हमारे घर में हर चीज़ है और नाम में क्या रखा है, मेरा असली नाम नहीं बताते. और जब हमें मुस्लिम्स को खुश करना होता है तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह तो आप लोगों को दिखता ही है. लेकिन आप लोग ये क्या मतलब कि एक ट्रू मुस्लिम, जो बंदा वाकई में मुस्लिम होगा वो नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा. नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है जब आप लोग ऐसे ही बन रहे हो. तो सो जस्ट दैट वी आर प्लेइंग विद यू गाइज, वी आर टेलिंग यू दैट वी आर द बेस्ट पीपल ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट हम सिर्फ और सिर्फ जब तक हमें ज़रूरत पड़ती है तब तक ही लोगों के साथ अच्छा करते हैं. और एक भी गिफ्ट हम ऑफ कैमरा नहीं देते हैं क्योंकि उससे साबित नहीं हो पाता कि हम कितने अच्छे हैं. सो प्लीज़ हम लोगों पे ट्रस्ट करिए, हम लोगों पे यकीन जानिए कि हम लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ देते, हम लोगों को 200 रुपए के लिए तरसता हुआ नहीं छोड़ देते हैं. हम बहुत 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 अच्छे हैं, हम अपने रिश्तों को छोड़ते नहीं हैं. हम बुढ़े बच्चे जवान सबको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए. और हमारी जो हिस्ट्री है हमने, और जब चाहे हम सबको वापस बुला लेते हैं अपनी जिंदगी में. पैसा आप है तो हम है, आप है तो हम है, इसलिए कहते हैं आप है तो हम है, हम है तो बाकी सब हमारे पीछे वाले. ठीक है ना, तो चलते हैं गाइस. खुश रहिए और बेवकूफ बनाते रहिए और हमेशा गलत चीज करिए, सही चीज नहीं. और पेरेंट्स को प्यार करिए जब भी आपको अपने मन मुताबिक करना हो, और उनको केयर टेकर उनके लिए रखवा दीजिए और उनका ख्याल ऐसे ना रखिए, उनको केयर टेकर रखवा दीजिए. और सबसे बड़ी बात, दुनिया को बताइए दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स. ये बताना बहुत जरूरी है. तो आप लोग के जिम्मे इस बार मेरी सारी जिंदगी, आप लोग के जिम्मे मेरी सारा करियर.
देखिए आधी आधी जिंदगी तो मैंने बेड़ा पार लगा दी, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत नहीं है अपने ही बहन को अब मैं इनको आगे नहीं सपोर्ट कर सकती, अब जो भी करना है इन्हीं को करना है, मैंने गिव अप कर दिया है, मुझसे मेहनत नहीं होती है ना बेटा, है ना मम्मा जी मेहनत तो अब पता नहीं मैं जैसा परफॉर्मेंस हुआ है तो उसमें मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। डिजर्व करते हैं आप, बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, और गाइज इसीलिए हम व्लॉग बनाते हैं, डांस नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, ही इज जस्ट अ गुड सन ही, सो आप उसके बेसिस पे इनको परफॉर्म करिए, क्या मतलब कि ये डांस रियलिटी शो में गए तो इनको डांस करना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, डांस वाले शो में कौन डांस करता है, वो सब बाकी लोग करते होंगे, लेकिन हम दुनिया से परे हैं, दुनिया से हटके हैं, हमारी फैमिली सबसे अलग है, हम लोग के बीच बहुत प्यार बहुत मोहब्बत है, तो हम हर चीज प्यार से करेंगे, हम आपसे प्यार से वोट मांगेंगे, प्यार से भीख मांगेंगे, तो आप हमें वोट करिए और इनको आगे लेके जाइए, जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाल, सही चीज करिए, गलत चीज नहीं, गलत चीज नहीं, सॉरी गलत चीज करिए, सही चीज नहीं, गलत चीज करिए इस बार मेरे लिए, क्योंकि हमारे बात में हमारे किस्म में चीजें कुछ अलग हो जाती हैं, तो आप लोग वोट कर सकते हैं, और एक एक मोबाइल से आपको 100-100 वोट करना है 100 नहीं करने 50 करने, अच्छा 50 करने हैं, ओके इनको लगा कम ना पड़ जाए 50 ही होते हैं, 50 करने, लेकिन सबको 50 करने हैं तभी बच पाएंगे, क्योंकि फिर वेटेज ऐसा है ना 50% वोट्स 50%, लेकिन जनाब फाइनल फेस ऑफ में तो ये होता है कि वोट भी काम नहीं आते, लास्ट में जो बॉटम टू होते हैं फिर उसमें चैलेंज वो होता है, फिर क्या करेंगे आप। देखिए मेहनत तो हमने करी, कोशिश बहुत करी और बहुत मेहनत करी, पीछे खून पसीना बहुत बगाया, जैसे कि आपको मैं स्टोरीज में दिखता था काफी खून पसीना, इस बार सब कुछ एक कर दूंगा, इस बार सब कुछ एक किया, खून बहा दिया, पसीना बहा दिया, लेकिन बर्फ नहीं बहा पाए मलाइका जी बोल रही थी कि मुझे उम्मीद थी इस बार तुम बर्फ पिघला दोगे, लाइक शी इज वेरी मच मेस्मराइज्ड विद माय जनाब, उन आप डोरे डाल रही होती हैं क्या वो अर्जुन से, तो लेकिन अर्जुन आपसे बेटर है, तो ब्रेकअप हो गया ना इसलिए, तो ब्रेकअप हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर मलाइका जी। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बार आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, और नहीं नहीं हम है तो आप ही, क्या बोल दिया आपने, वो तो वैसे भी है, जब जैसे भी है वो, अच्छा वो वोट वोट सब मिल जाएंगे तब उसके बाद, अच्छा सुना अच्छा देंगे, हाँ। वो रेंट वाला बाद में, अगर हम नहीं जीते तो फिर आपको हमारा दूसरा रूम मिलेगा, है ना जी यार, है ना पापा का दूसरा रूम मिलेगा ना, मम्मा का भी मिलेगा वोट मांगो पापा के लिए, वोट मांगो बेटा, थोड़ा फेस दिखाओ, फेस दिखाओ उसका, ताकि तो पब्लिक को सिंपैथी मिले उससे, थोड़ा सा मुझे बच्चा दिखा के वोट मांगो बेटा, वरना इस बार भी बोल रहा है, बोल रहा है कह रहा वोट पापा को, वोट दो पापा को, बोल रहा है बोला उसने, मैंने सुना उसने बोला, वो कह रहे पापा को वोट दो, तो आप लोग जियान के लिए वोट करिएगा, इनके लिए वोट करिएगा, और आप हम लोग को वोट करते रहिएगा, फाइनल तक पहुंचा दीजिएगा, और जो भी डिजर्विंग हो, जितने भी लोग अच्छा अच्छा डांस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको निकाल दीजिएगा, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करना हमारा काम है, बाकी सब कभी कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब कभी चलता रहता है, तो इसलिए हमेशा नीचे ही क्यों चलता रहता है जनाब, कभी ऊपर कभी नीचे में, कभी तो ऊपर रहिए ना, नहीं एक बार तो मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी किया था, फिर भी टॉप परफॉर्मेंस तो आप नहीं रहे ना, कभी भी टॉप परफॉर्मर आप कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे टॉप परफॉर्मर नहीं रहे, हमेशा हम स्टोरियां ही सुनाते रहे हैं कि एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ अच्छा है, एक तरफ बुरा है, हमेशा हम ये कहानियां ही सुनाते रहे हैं जनाब, ज्यादा मत सुनाइए, लोगों को अब पता लगने लगा है, हर चीज का एंड होता है, तुम्हारी आंखें वो क्या हो गए पिपी, आपके साथ रह के ऐसी हो गई है, भूल गए तुम्हारी आंखें भूल गई ऐसा लग रहा है, खैर ये तो आपको पता चल ही रहा होगा मैं अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा सुकून में और कितनी ज्यादा खुश हूँ काफी जिद्दोजहद करते हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे हमने जैसे वादा किया है कि मैं, बल्कि आपसे नहीं हो, मैंने जैसे कि पीपी से वादा किया है कि मुनिया को मैं इस बार ट्रॉफी घर लेके आऊंगा, तो अब आप सबको जिम्मेदारी है, आप सबके जिम्मे है कि आप सब हमारी मदद करें, और आप लोगों की वजह से ही हो सकता है, जो भी होगा सब आपकी वजह से ही होगा, जैसा कि मैं कहता था कि आप हैं तो आपकी वजह से हमारी रोटियां सिकेंगी, तो इस बार मेरी हमारी रोटियां सिकने के वास्ते आप सबको हमें वोट करना है, और वोटिंग लाइंस अभी भी खुली, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो डालने के तुरंत बाद मेरा, मैं ऐसे ही सीक्वेंस रखता हूँ कि जैसे वीडियो डालो तो वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी हूँ, तो सही टाइम पे आप लोग वोट कर दें, वोट कर दीजिएगा प्लीज वोट कर दीजिएगा, और इस बार फिर से किसी डिजर्विंग को हटा के इनको आगे लेके जाइएगा प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा चोट वोट लग गई यहाँ पे देखो, चोट लग गई, जो चोटे जो खरोचे जो थोड़ी बहुत चोटे आपके चलते फिरते उठते बैठते लगती रहती है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो इनके लग रही है, तो अब इनको पता लग रहा है कि चोटे भी लगती हैं, अभी तक तो मैं इनको पालने में बैठा के इनको यहाँ तक लेके आई हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनको सपोर्ट करें,
आप लोग इन लोगों हमारी रोटियां सेकें, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं हमारे वीडियो देखे और आप लोगों ने वोट नहीं किया तो लिटरली हमारे घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा, रोटियां सेकनी तो बहुत दूर की बात। तो जैसे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना, है ना। अब तो जियान को भी बड़ा होना है, उसकी भी फीस जाएगी, उसकी भी एजुकेशन है। आप लोगों को करेंगे ना आप लोग सपोर्ट, हमें करेंगे ना सपोर्ट। अभी तो हमारे बहुत सारे खर्चे हैं, अभी तो पैसे कैसे पूरे होंगे, नहीं पूरे हो पाएंगे, नहीं देखेंगे तो बातें बहुत करने लगा है आजकल, बहुत बातें कर रहा है, बहुत बहुत बातें कर रहा है आजकल बेटा। देखिए इस ब्लॉग के जरिए आपको पता चलेगा इन्होंने कितनी मेहनत करी है। और मैंने बोला था डेडिकेशन हार्डवर्क दिस ऑलवेज पेज ऑफ, ये कभी जीरो नहीं होता। इनका डेडिकेशन और इनका हार्डवर्क पे ऑफ होगा दूसरे को निकाल के, दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट को निकाल के। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग इनको वोट करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि ये बॉटम टू फेस ऑफ में आए, क्योंकि अगर ये बॉटम टू में भी आ गए ना तो भी निकल जाएंगे गाइस। मतलब बॉटम टू में नहीं, इनको पहले ही सेव करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे, मतलब लिटरली बहुत, इतने नहीं इतने इतने नहीं, सबको 50-50 करने पड़ेंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इस बार आप हर घर से जितने भी मोबाइल हैं उस हर एक मोबाइल से, हर एक मोबाइल से आपको 50 कॉल करना है, वोट करना है। 50 बेटा ठीक है ना, 50 वोट करेंगे सब लोग। ओके फिर से पापा को रख लिया, खैर अच्छा ही है, फालतू में हमारे अच्छा है, हम तो फ्री हो गए ना। अब जो अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में चाहे जो हो, अब घबराता भी है हमारा नानू, क्योंकि हमारे साथ रह के दो बार उनको बेचारों को वो आ गया था, स्ट्रोक आ गया था। लेकिन देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं डालना चाहिए, हर चीज का इल्जाम नानू हमारे ऊपर डाल देता है, ये गलत बात है। देखो कोई भी बाप हो जिसकी एक ख्वाहिश हो जिसकी बाप की कि उसके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छा इज्जतदार काम करें, जो कि मतलब दुनिया की नज़रों में बहुत इज्जत वाला काम हो वाकई में, कि एक अच्छे ऑफिस में बैठे, अच्छा सा तैयार होके जाए, पढ़े लिखे, अच्छे से बोले, पूरा वो कहते नहीं है, वो क्या कहते हैं वो उसको, मतलब रंग रूप प्रेजेंटेबल पेवल कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको, हम कह रहे थे। तो पापा बैंक जाते थे तो पहले पापा व्हाइट कलर जॉब, मतलब जैसे आप कहने चाहते क्या होता है ये, अच्छा ऑफिस में मतलब व्हाइट सूट जॉब पता है, हमें तो व्हाइट सूट पता है, हमें नहीं पसंद व्हाइट कलर, हम तो कहते चटक मटक कलर, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो पापा का ख्वाब था कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए और अच्छी सी नौकरी पकड़े, इसीलिए पापा ने अपनी गुंजाइश के अगे मतलब खिलाफ जाके भी नानू को इंजीनियरिंग करवाई प्राइवेट कॉलेज से, इसने सीरियस ही नहीं। फिर पापा फिर हमारे कंगन लेके आ गया सोने के, जो कुछ बचा कुछ हमारे पास था, फिर तुम्हारे चक्कर चल रहे थे इतने ज्यादा, तुम भी नहीं मान रही थी, बिल्कुल बहकी हुई थी, बिल्कुल भाभी एकदम पापा ही पे चले गए थे ना, एकदम अपनी अम्मी पापा पे चली गई तुमने बिल्कुल। तो पापा और हम उनको जहनी सुकून देते नहीं थे, इतनी लड़ाइयाँ कि अपनी माँ से ना मिलो, अपनी माँ की तबीयत खराब है तो उनको ना देखने जाओ, अपनी बहनों से ना मिलो, बात तक तो हम करने नहीं देते उनको, मिलना तो बहुत दूर की बात। हम लोगों में आपस में मोहब्बत हो, जिनसे काम निकलना है, जिनको यूज करना है, बस उनमें मोहब्बत हो। तो हमने वही है कि फिर पापा को टेंशन होती थी बहुत ज्यादा बेचारों को, तो यही सोच सोच के बेचारों के कि भाई कोई भी इंसान होगा जो इतना मेहनत से कमा रहा है हलाल की कमाई, उसकी सब बर्बाद हो जाए, उसका कुछ हो ना पाए, है फिर वो अब इसीलिए तो बार बार पूछता है पापा खुश हो जा, बार बार इसीलिए पूछता है, क्योंकि पापा कभी खुश नहीं रहे, पापा को बहुत टेंशन, बहुत जहनी तकलीफ हम तीनों ने मिलकर बहुत दी है। और बेचारे सीधे हैं कैमरे पर, एक्टिंग नहीं कर पाते, सीधे बहुत है वाकई में, पता नहीं हमें कैसे मिल गए, लेकिन सीधे बहुत है बेचारे, जैसा कहते थे वैसे ही चलते थे, अपना दिमाग कभी नहीं इस्तेमाल करते थे, बस उन्हें चढ़ा दो थोड़ा सा कि तुम राजबब्बर लगते हो, तुम हीरो लगते हो, तुम फलाने के, तुम डिकार, बस चढ़ा दो थोड़ा सा, फिर वही करते थे जो हम कहते थे।